नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया में आपका एक बार और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर लोगों ने अपने YouTube चैनल बनाए रखे हैं, जहां पर उन्होंने अपने किसी मीडिया का नाम रखा हुआ है, वह कोई लाइसेंस के माध्यम से नहीं रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आप अपनी कोई खबर लगाते हैं, अगर आप किसी की क्राइम, कहीं क्राइम हो रहा है, वह खबर आप लगाते हैं, कहीं स्टिंग ऑपरेशन करते हैं या कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी खबर आप लगाते हैं, तो आपके खिलाफ़ में FIR व आप पर कोई क्लेम ठोका जा सकता है। या जिन लोगों की आप खबर लगा रहे हैं वह भी आपको धमका सकते हैं या आपको कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम प्रगति मीडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भारत सरकार के RNI डिपार्टमेंट द्वारा, RNI विभाग द्वारा रजिस्टर्ड है। RNI क्या है? RNI है रजिस्टर्ड ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। जो RNI नंबर प्रगति मीडिया को मिला हुआ है। लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस वह चीज़ होती है कि आप कोई जो काम कर रहे हैं उसका आपको कानूनी अधिकार है या नहीं है। तो प्रगति मीडिया को भी कानूनी अधिकार मिला हुआ है, जिससे कि वह कोई खबर लगा सकता है या नहीं लगा सकता है, वह उसको लाइसेंस मिला हुआ है। तो दोस्तों, आप अक्सर YouTube पर जो अपनी वीडियो डालते हैं या आप कोई खबर डालते हैं, तो जहां आपको कोई क्लेम या FIR या आपको कोई दिक्कत हो जाती है, उसी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो के के टाइटल में देखा कि आप मीडिया के माध्यम से पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो यहां आप प्रगति मीडिया की माइक ID ले सकते हैं, यहां आप प्रगति मीडिया का माइक ले सकते हैं। वहां पर जब आप प्रगति मीडिया का माइक लेते हैं, तो आपको यूट्यूब के एक एक्सेस दिया जाता है, जहां आप अपनी वीडियो को खुद एडिट करके आप जो आपको यूट्यूब का स्टेट का जो यूट्यूब का एक्सेस दिया गया है, वहां आप अपनी खबर को लगा सकते हैं। जब आपकी वहां खबर लग जाती है, तो आपको पास में एक लाइसेंस हो जाता है, आपको एक माध्यम मिल जाता है कि आपको कोई क्लेम नहीं किया जाए या आपको कोई FIR या आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वहां पे जिम्मेदारी प्रगति मीडिया की आ जाती है। शर्त यही है कि प्रगति मीडिया का माइक होना चाहिए और प्रगति मीडिया की अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी के लिए जो आपको अथॉरिटी मिलती है, वो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवाते हैं, तो वहाँ से भी आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन का सपोर्ट मिलता है। आप हफ्ते में 3 से 4 बार उनसे मिल सकते हैं किसी स्टोरी के बारे में या किसी खबर के बारे में, जिससे कि आपको पुलिस विभाग भी आपको जान जाए कि आप प्रगति मीडिया के मेंबर हैं, जो भारत के RNI डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, उसके आप मेंबर हैं, जिससे कि आपको लीगल तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि पैसे कमाने की। समाज सेवक की हमने बात कर ली। आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं। समाज सेवा की बात करते हैं तो वहाँ लोग अपने बड़ी बड़ी भागते हैं कि हमने ये किया भाई, हमने ये किया, हमने ये किया है, लेकिन समाज सेवा की बात आ जाती है तो लोग नहीं कर पाते हैं। और सीधी सी बात है, इतना खर्च टाइम में आदमी कहाँ समाज सेवा काम करेगा। तो आज हम अब मीडिया के माध्यम से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, यहाँ आपकी बात आ गई। पहले तो आपके जो आप खबर लगा रहे हैं वो आप लीगल तरीके से लगा पा रहे हैं, वो हमने आपको बता दिया है। आप जो एडिट करेंगे उसकी हम आपको एक एप्लीकेशन बताएंगे, यू कट करके एक एप्लीकेशन आती है, उसके माध्यम से आपको हम एडिट करना बताएंगे। और भी एप्लीकेशन है, आप जिस माध्यम से करना चाहें उस माध्यम से आप कर सकते हैं। आप मीडिया के माध्यम, प्रगति मीडिया के माध्यम से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपको अथॉरिटी मिलती है, तो आप पुलिस विभाग के अटैच में रहेंगे तो आपको सरकारी विज्ञापन मिल सकते हैं। और आप अगर किसी बाहर का कोई विज्ञापन लेके आ रहे हैं, तो उसमें आपको 20 से 40% तक का कमीशन मिलता है। 20 से 40% मतलब हो गया कि आपका 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का आपको कमीशन मिलता है। यहाँ पे आपको कई तरह के आपको कमीशन मिलते हैं, यहाँ पर आपको कई तरह की बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप अपनी एक खुद का एक अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लीगल अथॉरिटी मिलती है। आप अगर अपनी खबर को पोर्टल पे लगाना चाहते हैं, तो पोर्टल पे अपनी खबर भी लगवा सकते हैं। अगर आपका कोई विज्ञापन है, किसी का विज्ञापन है, तो वो विज्ञापन भी लगवा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कमीशन मिलता है। अगर आप प्रगति मीडिया के न्यूज़पेपर में विज्ञापन लगवाना चाहते हैं, वो वहाँ भी लगवा सकते हैं, उसमें भी आपको कमीशन मिलता है। न्यूज़पेपर की आपको PDF भेज दी जाती है, और अगर आप चाहते हैं कि उसका न्यूज़पेपर आपको मिले, तो उसका माध्यम भी हम बता देते हैं कि आपको न्यूज़पेपर कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आगे कि आप प्रगति मीडिया के YouTube चैनल
में आपको स्टेट का जो यूट्यूब चैनल मिलेगा, जहां आप अपने एक्सेस के माध्यम से आप अपनी वीडियो को डालेंगे, वहां आप अपनी वीडियो को कैसे एडिट करेंगे। यहां हम यूकट एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप और कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं या आपके नज़र में और कोई एप्लीकेशन है तो उसके माध्यम से भी आप बना सकते हैं। आइए हम जानते हैं, धन्यवाद। यहाँ हम जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं उसका नाम है यूकट। यूकट को हमने ओपन किया, इस पर हम न्यू प्रोजेक्ट पे गए और हमको जो वीडियो चाहिए है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। हम दो वीडियो ले लेते हैं, यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब जो हम वीडियो है उसको हम पहले जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको हम कट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको मैंने कट कर दिया। तो अब मेरे का जैसे सेकंड वीडियो है उसको भी अगर मेरे को ट्रिम करना है, मतलब कट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे भी कट कर लेता हूँ। अगर नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, जैसे कभी कभी होता है कि एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है तो उसको हम कर लेते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर मैंने जैसे प्रगति मीडिया लिख दिया, PRGATIMEDIA, ये प्रगति मीडिया लिख दिया। और यहाँ पे मैं इसके कलर को, फॉन्ट को, या इसका बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड के लिए लेबल ले सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, आप शैडो चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर पे आप इसकी देखना चाहते हैं कितना ब्रीथ रखना चाहते हैं, हाइट रखना चाहते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको अपने टाइटल को, मतलब जो प्रगति मीडिया है उसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैंने प्रगति मीडिया को अपने पूरे जो मेरी वीडियो जो बनेगी उसको मैंने पूरे में इसको मैनेज कर दिया है, और इसको मैं अब छोटा करके मैं इसको एक साइड में इसको सेट कर दूंगा। इसको देखिए मैं छोटा करता हूँ और इसको मैंने साइड में सेट कर दिया, जिससे कि हाँ लगे कि हाँ प्रगति मीडिया का ये चैनल के माध्यम से आई हुई है। और प्रगति मीडिया का माइक आप ऑलरेडी देख रहे होंगे यहाँ पे। जैसे अब मेरे को इनकी वॉइस करनी है तो वॉइस को मैं यहाँ से डाउन भी कर सकता हूँ, जैसे साइड में एक ऑप्शन भी है। जैसे यहाँ से अगर मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे रिकॉर्ड पर क्लिक किया, यहाँ से मैं रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ अपनी वॉइस को। यहाँ से साउंड पूरी वीडियो को बंद कर सकता हूँ, या यहाँ से मैं वीडियो को क्लिक करके यहाँ से साउंड को भी मैं कम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को किसी भी तरह से एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे अपने नीचे रिपोर्टर का नाम या जो भी मेंबर का नाम है उसको लिख सकते हैं आप। और जैसे अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, जैसे एग्जांपल था, इसको सेव करने के बाद वीडियो आएगी और एक ऐड आएगा, ऐड के बाद क्लोज आएगा, क्लोज करने के बाद आपकी वीडियो हो गई रेडी। उसके बाद हम यूट्यूब चैनल पर गए, उसके अपलोड फाइल पर गए जहाँ हमारी वीडियो थी, उस पर हमने क्लिक किया, उसको फिर हमने नेक्स्ट कर दिया। जैसे ये हमारी वीडियो थी जो मैंने, हमने उसको नेक्स्ट कर दिया। टाइटल पे आपको टाइटल लिखना है जो आपकी वीडियो को सूटेबल है, जो ऐसे आप कोई वीडियो बना रहे हैं उसका मतलब लगे कि हाँ आपकी खबर किस बारे में है। तो हमने जैसे एक टाइटल लिख दिया खबर आपको, मतलब जो हमने नॉर्मली डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहाँ आपको नो पे करना है, नो इसमें लिखा हुआ है, वहाँ आपको क्लिक करना है और आपकी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गई। धन्यवाद।